हो दरबारी जी महारानी जी। महामंत्री भवानी सिंह सेनापत का काम तमाम करने गया, अभी तक वापस नहीं आया। ये तो बात सही नहीं आई, लेकिन है? मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है कहो कि सेनापत अपने आराम कक्ष में जाते हुए मैंने देखा उसे है? मैंने बात गए और महामंत्री मैंने बात गए मराए गए क्या हो गया है? अरे कहा बात गए मराए गए मार नहीं पाए मेरी ख्याल जी बात का बुरा न मानो क्यों ये यदाएं आवत रहा ना बस यही शुरू चौराहा पा बस एक मुंह फालिस ऊपर गिर गया तब से हकलाए लागी सारे मुंह फालिस ऊपर गिर गया नहीं होगा ऊ ना है महारानी जी हम जो नान के रहन तो बहुत गुरी खात रहन गुर 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 तब से जबनिया हमारे पास ही लाग है क्या खा रहे थे अब नीमी के जो तुम करी थे क्या खा रहे थे गुर गुर तुम खड़े खड़े मरने वाला था महारानी है महारानी से उल्टा सीधा बात कर रहा है गुर गुर खाए बहुत दिक्कत भाई यही जब यहाँ खबर महारानी है और कोई गलती नहीं तेरी जुबान को काट करके खैरा करके कुत्ते को खिला दिया नहीं 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 कुत्ते खाई है तो हम क्या करें उसे गुड़ नहीं उसे गुड़ कहते हैं गुड़ हाँ तो इनके कहा गोर गोर क्या हमारे यहाँ गुरे घाटियों का गुड़ नहीं गुड़ गुड़ अच्छा तो ही से ना जाओ अब है कुछ कुछ तबीयत सही भले तेरी बहन जी फुफा महारानी जी इतने मुंह लगे नौकर हो चुके हैं ये सब आपकी दौड़ आपके जरिए कवहियां नहीं है तुम्हारे कहा कि मतलब कि महारानी छिड़ा रही सारी गोलियां उतारती है कितनी गोलियां मारा है तीन गोलियां मारा है इसे हम कहा तुम मार रहा भराटिया गोली कब मरा तो गोली हमें लगे ले लियो गोली का कारखाना खोल रखा है नहीं गोली लेकर चाह रही थे मान लिया तो जल्दी बढ़ जाए ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हम मानेंगे बंदूक राज महारानी जी और रास्ते के सारे कांटे सफा हो गए अब तुम्हें दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है क्या बात तुम्हारी बातें सुनकर के मुझे हंसी आती है हंसी आ रही है महामंत्री भवानी सिंह क्यों तुमने उसके बदन पर तीन गोलियां चलाया जी हाँ लेकिन फिर भी वो बच गया बच गया अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है आपने उसे जान से मार दिया जी हाँ लेकिन वो फिर भी बच गया मैंने अपनी आंखों से देखा है वो अपने आराम कक्ष में जा रहा था लेकिन महामंत्री भवानी सिंह कहिए तुम्हारे गोलियों से तो बच गया वो लेकिन महारानी चमेली के हाथों से नहीं बच सकता है ऐसी चाल चलूंगी ऐसा चाल बिछाऊंगी कि महारानी चमेली के जाल में खुद खुद फंस जाएगा ठीक है महारानी तुम्हारा रूम ले जाओ ठीक है मैं जा रहा हूँ और अगर कोई जरूरत हो तत्काल मुझे आवाज देना ठीक है मंत्री जी, 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 मंत्री
मंत्री जी बोलिए। चलो आराम करें तो हर बिताना लगा दिया। अच्छा हाँ तो रे गुड़वारी के बारे में तकिया रखे थे यहाँ। क्या? हाँ जैसा तकलीफ हो तो चुतर लीजिए तकिया लगा। महारानी जी ये तुम्हारे नौकर को बिस्तर लगाने के इधर तकिया लगा लेंगे। नहीं इतना रख के पौड़ी नहीं वो देखे ना क्या कर ली तकिया पिछवाड़े लागत है। ए सुन लियो तू मरबो और क्या करेंगे। अगर बदतमीजी करोगे तो मारूंगा। तू ना मारो क्यों इन्हें गांव वाले बुलवाओ अब नहीं सब मरवाओ। अच्छा घबरा रहे तुम। ठीक है महारानी जी हम कर रहे हैं और अगर कोई जरूरत हो तत्काल मुझे आवाज देना। ठीक है जाइए आप रामदेव जी। महारानी जी महारानी चाय पिलाई नहीं आप पिए। अच्छा ये तू पी लियो हमको चाय पियो तू पी लियो खूब आराम करो दरबार में। तू पी लियो हमको पिया समझो राम चादे जरूरत से ज्यादा मत बोला करो। और बोले बेटा सुनो सबसे पहले मेरा बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाए लो बताए चार पाई ले आओ मेरा बिस्तर लगाओ और उसके बाद मैं कुराल सीधे सेनापति के रूम में जाओ। अच्छा? और सेनापति से कहना कि महारानी चमेली ने अपने रूम में तुम्हें याद किया है। अच्छा मैंने जाए उनका बेलाय लाई कहना चाहती हूँ। देख रहे हो ये सेज तुमसे एक विनती है मेरी कि सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा करके मेरे दिल की हसरत मिटा दो और मैं तुमसे कुछ नहीं जानता। ये मेरी सेज देख रहे हो ना? मैं देख रहा हूँ लेकिन आप हैं कौन? आप इस राज्य की महारानी? मैं इस राज्य की महारानी हूँ और ये महारानी चमेली मुद्दतों से प्यासी है। सिर्फ एक बार कि सजा ये मेरी से अरे सजा Hey!
बड़ा शर्म आनी चाहिए कि एक नौकर से इतनी बातें कर रही हो। सेनापति रणवीर प्रताप से इतना तेज उठा के फेंका कि वहाँ से यहाँ तक चली आई। सामान में कुछ हो जाता है। सुनो अब रहा है देव हमका लागत है महारानी वहाँ खड़े हो जाओ। चलो महारानी चुनाई गई था। जिसको हाथ लगाना चाहिए वो हाथ नहीं लगा रहा है। तुम मेरे स्तन में हाथ लगाते हो। स्तन कौन चीज है महारानी जी? महारानी जी सरकारी ब्लॉक में ले चलो। महारानी मेरी बात को गौर से सुनो और तुम्हारी महारानी जी मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। रणवीर प्रताप से इतनी देर से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ कर मिन्नत कर रही हूँ, मना रही हूँ कि सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगाकर के मेरे दिल की हसरत दूंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज मुझे अपने भाई के समान समझते हैं, नौकर नहीं। और मैं भाई के साथ कदम करूंगा, ऐसा कदाप नहीं होगा। मैंने महाराज का नमक खाया। दो बार मुझे उठा के वहाँ से फेंक दिया, उतनी दूर मिलेगा तो और दूर फेंकूंगा। लेकिन तुम नहीं जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह
तुम्हें नहीं मालूम है, यदि मेरा प्यार स्वीकार कर लोगे, मुझे अपना लोगे, तो तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्या बना सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ का महाराज बना सकती हूँ। लेकिन ऐसा छोटा कर्म कभी नहीं करूँगी। नहीं करोगी? एक बार, अरे घंटे तो घंटे की बात नहीं है, दो मिनट का काम, पाँच मिनट की बात है। पाँच मिनट तो बहुत दूर है, दो मिनट की बात। अरे नहीं आओगे, मान जाइए 750 ले लीजिए। पैसा दे के बताओ, तुम बताओ क्या करना है? सुरंगी बजाना है। बहुत देर से मेहनत कर रही हूँ। अरे मेरे राजा, मेरे संज्ञा बरत रहा, तेरे इश्क में। अरे मैं तेरे इश्क में कि मर न जाऊं, तू मुझे इतना मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बना भी।
अरे मार डाल, जान से मार डालूंगी। क्या क्या भैया? सरजू प्रसाद भैया, सरजू प्रसाद धोलिया ले ये भाई 10 रुपया। इसी सीन को देखते हुए धन्यवाद। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। अच्छी बात, तो मुझे मार दो। कि जो न माने कहना मेरा, बाद में पछताएगा। मारूंगी तलवार से मुल्के दम पे, कि मान जा कहना मेरा, मान जा कहना से इनकार कर। आजा पलंग पे तू मेरे न जिंदगी के मारूंगी नहीं तुमको। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। शर्माने की क्या बात है इसमें? और तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा कोई यहाँ है नहीं, तो इसमें कौन सी शर्म क्या? हमें समझो, हम तो गोलंडी में कुछ जाने का नहीं कहा है। अरे तुम कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है? नहीं एकदम हम जानते नहीं कहा है। तुम्हारी शादी नहीं हुई तो प्यार मोहब्बत जानोगे कैसे? ये ठोक गए हमारे रही और कहा तो मेरे लग जाई गुड़ खवाई। अब भैया तो मेरे झाड़े चला जाए तो साथे साथे जाए। हाँ जहाँ का जाए पीछे पीछे वहाँ जाए। अरे चढ़ली जवनिया तरे पाला ना तरे सावना मेरे राजा मेरे होश हो जाता है। आगे क्या होता है कहानी पर गौर फरमाइएगा।
अरे तुझसे तो मैं मोहब्बत नहीं कर रही थी, सिर्फ तुझे फंसाना था मुझे। असली मोहब्बत तो मेरी भवानी सिंह से है, तुझे तो सिर्फ अपने जाल में फंसाना था, तुझे तो एक मोहरा बनाना था मुझे। मैंने कर दिखाया राम जादे, अरे कहने इतना तेज बेहोश हो गया है, ताबीज का नशा देख रहे हो कमीने। अरे आज ऐसी चाल चलोगी नहीं मालूम कि मैं तेरे साथ और क्या क्या कर सकती हूँ। अभी घबरा नहीं, अपने हाथों से मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूंगी, अपने हाथों से अपना हाथ गंदा नहीं करूंगी। देखो मैं तुम्हारे साथ अभी क्या क्या करती हूँ। अरे मैं ऐसा ढोंग रचूंगी, ऐसी चाल चलूंगी कि महाराज स्वयं तुझे फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। घबराओ नहीं, ये महारानी चमेली की खोपड़ी नहीं, महारानी चमेली की बिछखोपड़ी है। घबराओ नहीं, दरबारी में कुलार जी, महारानी जी थे महारानी जी, क्या भाई हम उठाऊ रामदास तो है बड़े आज का हंटर से, तो कोनो मतलब है नहीं ना, लाठी में नवाए के बारे हमका। अरे महारानी जी हमसे करूँ गलती हो गया क्या, बताओ का बेलाई हूँ। देखो अब हमको अभी अभी मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम दोनों जानते हो बात को। नहीं हम तो नहीं जानते, हम अपना फिर मुँह तेरे। अब तुम दोनों को यहाँ एक नाटक करना है। नाटक नाटक हाँ जैसे रामलीला कर गए। हनुमान जी बन जाओ, हम राम, मैं बोली हनुमान हूँ, मैं राम हूँ। तुम क्या बनोगे, क्या बनोगे राम? नहीं राम बने समझ न बन गए, हमें मार जाता है ये हमारे मार के नहीं नाटक। मैंने तुमको कहा कि एक नाटक करना है। नाटक तो मेरी पूरी बात सुना नहीं आपने, कह रहे हो तो मैं बने हनुमान। अरे नाटक में क्या करना है महाराज, दोनों दूसर भी याद बताओ। मारो नाम अपना मारो, चोट लग गए। देखो हम दोनों को बैठ करके यहाँ, अरे रोना है, रोएगा है। हम तो जिंदगी में रोए ना है। महारानी हम दोनों को बैठ के ही रोना पड़ेगा। महारानी मतलब राजमाता छिड़कर करे थे। महारानी तो हमसे कहा पूछे, महारानी पहले तुम हो तुम कचे के गिराने हमारा लेवाई आवे, लेवाई की रवाई रे, रवाई आवे की जाने हमारे सिखाओ महारानी रोना है। अरे यारे राजा रोज रोज उड़ जाती हूँ महारानी, हमारे तबियत सही जा तो रोज पहुँच जाए तो कमला बना ले खराब जाए राजी। नहीं नहीं ज्यादा नहीं रो रही आँख बह जाए।
ये मैं क्या देख रहा हूँ, सब लोग रो रहे हैं।